अगर इलेक्शन लड़ेंगे आप, कनीज फातिमा मैडम 100% इलेक्शन हारने वाले हैं। आज की तारीख में शहर की अवाम की जरूरत है, वो उस्ताद जैसा चेहरा जरूरी है। नार्थ टूटा था कभी 5 साल पहले, अवाम उनको जिम्मेदारी दी थी कि नार्थ की जिम्मेदारी जिसको दी थी उन्होंने बोलते फिरे नार्थ जोड़ो या नार्थ तोड़ो, वो उनको ही मालूम है। और डोर टू डोर जाके मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पुराने चेहरों को वोट बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि कॉर्पोरेशन इलेक्शन में उन्हीं का एजेंडा है ये कि नए चेहरों को मौका देना है, जो पोस्ट इंजॉय करता है उनको बिल्कुल नहीं मौका देना है। कल शहर में चर्चे चल रहे हैं, जगह जगह कारोबार वालों को पूछो, महिलाओं में पूछो, नासिर हुसैन उस्ताद अच्छे है, कन्नड़ लैंग्वेज है, टैलेंटेड है, जरूरत पड़ी तो भी हर आधी रात को मुलाकात हो सकती है। पार्टी के जो जिम्मेदार लोग यहाँ पे मौजूद है वो दलालों के बीच में रहने का उनको आदत पड़ गई है, वर्करों की उनको जरूरत नहीं है। 4-5-6 गुत्तेदार उनको मिल गए, बहुत खुश है उन्होंने। सुन्नी मिजाज से मेरे को मोहब्बत है। अलन का इतना बड़ा वाकया हो गया, क्यों हो गया ये वाकया? यहाँ के गुलबर्गे के जिम्मेदार लोगों की वजह से वो वाकया हुआ। मुस्लिम औरतें कभी किसी तारीख में जेल को नहीं गए, जो इस दौर में इस पीरियड में इस कांग्रेस की जिम्मेदारी के पीरियड में हमारे मुस्लिम औरतें जेल को जाना पड़ा है। ये जो बुरा वक्त गुजरे हुआ है, आने वाले वक्त सुधारना है तो नए चेहरे को लाना जरूरी है। जब भी बाजार जाता हूँ, मैं कारोबार जाता हूँ कि भाई आने वाले इलेक्शन में क्या है, नहीं भाई हमको जेंट्स की जरूरत है और नासिर उस्ताद की जैसे आदमी की जरूरत है, क्योंकि खमर साहब की मोहब्बत थी, संपत्ति थी वो। अब आप इतना अंदाजा लगा दिए, पिछले 5 साल पहले उमराबाद से उनको रिसीव करने के लिए गए थे, आज उन्होंने मजबूरी इनकी ये ही कि घरे घर जोड़ते फिर रहे हैं। लोगों को तुम जोड़ को नहीं रखे, कौम को तुम एकता नहीं रखे, वर्करों को संभाल नहीं सके, ये तुम जीतने वाले नहीं है इस बार। कनीज फातिमा मैडम इलेक्शन हारने वाले हैं इस बार। मैं खुद घर को डोर टू डोर हर घर जाके रिक्वेस्ट करूंगा, पुराने चेहरों को वोट नहीं देना है। This video present by Mannur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bare Hills Circle Ring Road, Gulbarga. नार्थ टूटा था कभी 5 साल पहले, अवाम उनको जिम्मेदारी दी थी कि नार्थ की जिम्मेदारी जिसको दी थी उन्होंने बोलते फिर नार्थ जोड़ो, ये तो हमको समझ में नहीं आया। नार्थ जोड़ो या नार्थ तोड़ो वो उनको ही मालूम है। रही बात रैली का सवाल है, रैली तो नॉर्थ में कोई ऐसा कांग्रेस का वर्कर है नहीं जहां रैली में, मैं भी फोटो देखा, मोबाइल में फोटोज देखा, तकरीबन लोग कांग्रेस के थे लेकिन साउथ के थे वो। नॉर्थ में साजिद कल्याणी में पब्लिक जीती हुई है, उनके लोग है, उधर बचे 5-6 बूथ, वहाँ पे अलीम पटेल कारपेटर है, वो भी जनता दल से है। और नॉर्थ जोड़ो ये तो हमको समझ में नहीं आया। रही बात आने वाले इलेक्शन की, मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा हर वोट को, हर पब्लिक को, घर को और डोर टू डोर जाके मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पुराने चेहरों को वोट बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि कॉर्पोरेशन इलेक्शन में उन्हीं का एजेंडा है ये कि नए चेहरों को मौका देना है, जो पोस्ट इंजॉय करता है उनको बिल्कुल नहीं मौका देना है। मेरी भी ये अपील है, आने वाले इलेक्शन में पुराने चेहरों को किसी को वोट नहीं देना है, नए चेहरों को लाना है। आजकल शहर में चर्चे चल रहे हैं, जगह जगह कारोबार वालों को पूछो, महिलाओं में पूछो, नासिर हुसैन उस्ताद अच्छे है, कन्नड़ लैंग्वेज है, टैलेंटेड है, जरूरत पड़ी तो भी हर आधी रात को मुलाकात हो सकती है। हर कोई ये कह रहा है, आने वाले दिनों में सोचेंगे इंशाल्लाह नासिर उस्ताद को सपोर्ट करना है या किसको करना है। मेरा ये मशवरा है, अवाम से रिक्वेस्ट है, पुराने चेहरों को बिल्कुल वोट नहीं देना है। अगर आते हैं हमारे बीच में उनको ये आप साफ कह दीजिए, आप पोस्ट इंजॉय कर चुके हैं, नया को मौका देना है और नया चेहरा नासिर हुसैन उस्ताद आज की तारीख में शहर की अवाम की जरूरत है, वो उस्ताद जैसा चेहरा जरूरी है। इंशाल्लाह आने वाले, मुझे उम्मीद है, बहुत दिनों के बाद मैं मीडिया के सामने आया हूँ, इंशाल्लाह दोबारा जब भी आप तलब करेंगे बरोबर आऊँगा मैं। और यही कहूँगा जो शहर में माहौल चल रहा है उसी तालुक से मैं ये बात करूँगा। आप पार्टी 137 साल पुरानी पार्टी है, पार्टी से हमारे कोई शिकायत नहीं है। पार्टी के जो जिम्मेदार लोग यहाँ पे मौजूद है वो दलालों के बीच में रहने का उनको आदत पड़ गई है, वर्करों की उनको जरूरत नहीं है, कार्यकर्ता को उनकी जरूरत नहीं है, वोटर की उनको जरूरत नहीं है। 4-5-6 गुत्तेदार उनको मिल गए, बहुत खुश है उन्होंने, उनको कमा को देने वाले खुश है। मैं एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ आपके सामने, ऐसे मैं सुन्नी मिजाज का शख्स हूँ, मैं सुन्नी मिजाज से मेरे को मोहब्बत है। अलन का इतना बड़ा वाकया हो गया, क्यों हो गया ये वाकया? यहाँ के गुलबर्गे के जिम्मेदार लोगों की वजह से वो वाकया हुआ। आने वाले दिनों में अब तफसील बताऊंगा आपके सामने मैं इंशाल्लाह। वहाँ पे जो वाकया हो गया, अंग्रेज का दौर खराब बोलते हैं ऐसे पुराने लोग, मगर ये दौर जो गुजर रहा है अंग्रेज से भी बुरा दौर गुजर रहा है। मुस्लिम औरतें कभी किसी तारीख में जेल को नहीं गए, जो इस दौर में इस पीरियड में इस कांग्रेस की जिम्मेदारी के पीरियड में हमारे मुस्लिम औरतें जेल को जाना पड़ा है। इसके जिम्मेदार कौन है? लोकल के प्रेजेंट MLA लोग हैं। क्या जरूरत थी इनको यहाँ मीटिंग करने के बाद जाके बोलना था वहां पे? क्यों नहीं करे वो आप खुलासा? मंदिर में लोग घुसे तो रोड पे निकले हर कोई,
जैसी हालत में थे वैसी हालत में आ गए। वो कानून अपना काम कर रहे हैं, मारनी है लकड़ी से कोई मरता क्या, बॉटल से पानी की बॉटल से कोई मरता है क्या? वीडियो देखे औरतों डाले। मेरा कहना यह है ये जो बुरा वक्त गुजरे हुआ है, आने वाले वक्त सुधारना है तो नए चेहरे को लाना जरूरी। नासिर उस्ताद के बारे में हर कोई, मैं तकरीबन लोगों से मिलना जुलना है मेरा, पॉलिटिकल और अनपॉलिटिकल, जब भी बाजार जाता हूँ मैं कारोबार जाता हूँ कि भाई आने वाले इलेक्शन में क्या है। नहीं भाई हमको जेंट्स की जरूरत है और नासिर उस्ताद के जैसे आदमी की जरूरत है जो पढ़ा लिखा है, डैचिंग प्लेयर है, कन्नड़ लैंग्वेज जानता है, तजुर्बा है। उनके वालिद साहब भी कई बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, नासिर उस्ताद भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। लास्ट टाइम इसलिए हम नहीं करें क्योंकि खमर साहब की मोहब्बत थी, संपत्ति थी वो। अब आप इतना अंदाजा लगा दिए, पिछले पाँच साल पहले उमराबाद से उनको रिसीव करने के लिए गए थे, आज उन्होंने मजबूरी इनकी ये ही कि घरे घर जोड़ते फिर रहे हैं। पहले तो टूटा ही नहीं हमारा नार्थ, अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी सलामत था, आने के बाद भी सलामत रहेगा। उन्होंने खुद ये कहते फिर कि भाई मैं अच्छा हूँ, काम करने वाले घर में बर्तन धोए भी तो उनको वोट देना नहीं है, कपड़े धोए भी तो, क्योंकि उनका काम उन्होंने करते, दूसरा आया तो अभी काम करता चाहे। लोगों को तुम जोड़ को नहीं रखे, कौम को तुम एकता नहीं रखे, वर्करों को संभाल नहीं सके, ये तुम जीतने वाले नहीं है। इस बार किसी कीमत पे आप जीतने वाले नहीं है। अगर आपकी इज्जत बरकरार रखना है आप लिहाजा इस सीट छोड़ दीजिए। जितनी इज्जत खमर साहब की करते थे, जितनी अवाम शहर की मोहब्बत करती थी, उसी कहीं ज्यादा आपकी इज्जत बढ़ेंगी आप अगर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अगर इलेक्शन लड़ेंगे आप कनीज फातिमा मैडम 100% इलेक्शन हारने वाले हैं, आप आजमा के देखेंगे, फिर दोबारा बुलाइए, फिर दोबारा भी मैं यही कहूंगा इंशाल्लाह कनीज फातिमा मैडम इलेक्शन हारने वाले हैं। इस बार मैं खुद घर को डोर टू डोर हर घर जाके रिक्वेस्ट करूंगा, पुराने चेहरों को वोट नहीं देना है इंशाल्लाह।